सीधे लिए चलूंगा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर और सीधे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ओएसी पर हमले की, एंबियंस बढ़ा दी। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये शजासी टोल प्लाजा का वो वीडियो है जिसको लेकर ओवैसी साहब ने आज ट्वीट किया था। ओवैसी साहब के ट्वीट को आधार बनाकर तमाम समाचार चैनलों ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे वो भारत के नेशनल मीडिया हो, सभी ने उस ट्वीट को आधार बनाकर खबर दिखाया है। लेकिन हम आपको उस वीडियो को दिखा रहे हैं जिस वीडियो में यह साफ हो जाता है कि कैसे हमलावर कार पर फायरिंग कर रहे हैं, लाल सफेद जैकेट में ये दो हमलावर, ये देखिए लाल वाली जैकेट में, इसके हाथ में बकायदा हथियार भी है, ये फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसी घटना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया था जिसको तमाम मीडिया चैनलों ने, सरकारी प्राइवेट तमाम मीडिया चैनलों ने, उत्तर प्रदेश से संचालित होने वाले और दिल्ली से संचालित होने वाले मीडिया चैनलों ने इसको आधार बनाकर, उस ट्वीट को आधार बनाकर दिखाया। लेकिन हम आपको सबसे पहले और सबसे सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये ओवैसी साहब पर हमले का वीडियो है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल जैकेट में और सफेद शर्ट में ये दो हमलावर जो कि हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में आपको यह वीडियो हर समाचार चैनल पर तैरता हुआ दिख जाएगा, हर समाचार चैनल पर। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो ओवैसी साहब पर हमले की। इसको लेकर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। और यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख लीजिए और तुरंत डायरेक्टर साहब पुलिस क्या कुछ कह रही है उस वीडियो को चलवाइएगा। मार्केट यहाँ से जा रहा था, उस पर दो व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टि कर एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है, तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था मारने का, मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। चुका थी क्या नाम है लाइट के अभी अभी वो डिटेल पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम उसको अवगत करा देंगे। तो बाबा के राज में मियां साहब पर गोली कौन चलवा रहा है, इसको लेकर बड़ी साजिश हो सकती है, जिसको लेकर ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया। उन्होंने क्लियर कट साफ कहा है कि मैं भाई शिकायत करूंगा, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा और पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करेगी।